इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीकी प्लस लिए है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमटी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाला है लॉक्सा 500 एमजी टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, ये कौन सा मेडिसिन के श्रेणी में आते हैं, इसके यूजेस सही में क्या हो सकता है, इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या रह सकता है, सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या रह सकता है, प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं है, पूरी डिटेल्स जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। वैसे तो मार्केट में लॉक्सॉप 250, 500 और 700 एमजी के फॉर्म में मिल जाता है। आज बात करेंगे लॉक्सॉप 500 एमजी टैबलेट के बारे में। लॉक्सॉप 500 एमजी टैबलेट का प्राइस हो सकता है 89 से लेकर 90 रुपये के बीच में 10 टैबलेट। बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। लॉक्सॉप जो कि सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, इसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट है लिवोफ्लॉक्सासिन 500 एमजी। लिवोफ्लॉक्सासिन एक सेकेंड जनरेशन का फ्लोरोक्विनोल ग्रुप के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए उसको यूजेस लिया जाता है। डॉक्टर की पसंदीदा सबसे नंबर वन मेडिसिन होने के कारण से इसको लंग्स इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। यानी कभी ब्रोंकाइटिस हो गया हो या न्यूमोनाइटिस हो गया हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको यूजेस लिया जाता है। गले की इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूजेस लिया जाता है। लंग से जुड़ी हुई और एक बीमारी है जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी कहा जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए ये सेकंड चॉइस का मेडिसिन होता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा देखा जा सकता है। साइनोसाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए भी इसको यूजेस लिया जाता है। और दूसरे यूजेस है यूटीआई यानी महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाली, पुरुषों में भी हो सकता है, बहुत ही कम होता है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की पसंदीदा नंबर वन मेडिसिन है ये। ज़्यादा दिन कैथेटर लगाने के बाद उस जगह में इन्फेक्शन हो जाता है, जब उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लॉक्सॉप यानी लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूजेस लिया जाता है। प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो गया हो या एनलार्जमेंट हो गया हो, सॉयलिंग हो गया हो, सूजन आ गया हो, उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। स्किन सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, और सेलुलाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा यूजेस है, इसके प्रचलन है यूज लेने के। ट्रैवल्स डायरिया नाम की बीमारी है, जिसमें ट्रैवल के दौरान महिला पुरुष सभी में दस्त लग सकता है, दस्त की बीमारी हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की पसंदीदा नंबर वन चॉइस का मेडिसिन हो सकता है। इससे अलावा दूसरे कोई यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये मुख्यतः यूज मैंने बताया। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों इसको खुद से ना लीजिए, हमेशा ही प्रेफर रहेगा डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लीजिए। इसको ज़्यादा मात्रा में ले जाए नासा वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, पेन रह सकता है एब्डोमिनल में, क्रैम्प हो सकता है, सान बार्न हो सकता है यानी ज़्यादा देर धूप में रहने के बाद सान बार्न के प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोपैथिक कुछ प्रॉब्लम देखा जा सकता है, NSAID ग्रुप के कुछ दवा के साथ इंटरप्ट भी कर सकता है। जब भी इस तरह कोई अनडिजरेबल साइड इफेक्ट मिला, मेडिसिन को तुरंत बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। आप जान लेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन किन पेशेंट को ये दिया नहीं जा सकता, किन किन पेशेंट को डोज एडजस्टमेंट के साथ दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी नहीं देना खुद से, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर थोड़ा डोज एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे दिया जा सकता है, सेफ है, फिर भी डॉक्टर के सलाह के साथ दिया जा सकता है। किडनी और लिवर प्रॉब्लम में डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं दिया जा सकता। इनके इंग्रेडिएंट से पहले भी कोई एलर्जिक रह चुका हो, उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। जिनके एपिलेप्सी की बीमारी हो यानी दौरे पड़ने की बीमारी हो, सीजर से आते हो, उनको भी दिया नहीं जा सकता। और सीवियर हार्ट डिजीज हो जिनको, उनको भी दिया नहीं जा सकता। दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने के बाद अब डोज की तरफ बढ़ा जाए। डोज कैसे होता है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी देख के निर्धारण होता है। ये लॉक्सॉप 500 एमजी टैबलेट का रिव्यू है। ये बच्चों में ना यूज कीजिए, तोड़ के ना लीजिए, डॉक्टर जितना लेने के सलाह देते हैं उतना ही लीजिए। एक अडल्ट व्यक्ति को हर दिन सुबह शाम 2 से 3 बार तक डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये 7 से पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग 14 दिन और ज़्यादा भी हो सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। ये हमेशा खाने के बाद ही ले तो ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है। एंटीबायोटिक टैबलेट ये खाली पेट में ना लीजिएगा। दोस्तों आज हमने पूरी जानकारी ले ली लॉक्सॉप तथा लिवोफ्लॉक्सासिन 500 एमजी टैबलेट के बारे में।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसी वीडियो बनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।